कई पुल उनके पीरियड के ही नाकामयाबी का प्रतिफल है। और बयान देने के लिए, ढोल बजाने के लिए, ट्विटर पर सिर्फ ट्वीट करने के लिए नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको घटना स्थल पर जाना चाहिए, समझना चाहिए किस कारण से गिरा है पुल, कौन दोषी है। हम उनको पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव जी, इनके साथ की जो जमात है, बिहार में जंगल राज लाने वाले लोगों की जमात है, जिन लोगों के द्वारा बिहारी शब्द को कलंकित और बदनाम किया, बिहार के विकास को लूटा, अराजकता का वातावरण फैलाया, वो जमात से ये चाहते हैं कि जनता को भरमाकर हम सत्ता में आए। आज भी अपराधियों को टिकट देकर विधानसभा, विधान परिषद से लेकर लोकसभा तक पहुंचाते हैं। ये मानसिकता का जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आपको कोई नैतिकता नहीं है अपराध और भ्रष्टाचार पर बोलने का। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और आपराधिक घटनाएं भी लगातार हो रही है। अब इसी को लेकर के लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही उनके विधायक कह रहे हैं कि सरकार में कोई भीष्म पितामह है तो कोई कर्ण है। अब देखिए, इसको लेकर के जब सवाल किया गया बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा से, तो कैसे जो है नेता प्रतिपक्ष और उनके पार्टी के नेता पे बरसते हुए नजर आ रहे, क्या कुछ कह रहे विजय कुमार सिन्हा, सबसे पहले आप वो सुने। जब जिम्मेवारी था उस समय खुद उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री थे, तो एक बार न समीक्षा किए, जो पुल गिरा था वैसे घटना स्थल का न मुआयना किए और न इस तरह के कोई कार्रवाई किए। आज तो हम सारे पुलों का सर्वे भी करवा रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं और जो दोषी है उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये उन्हीं के पीरियड का कई पुल उनके पीरियड के ही नाकामयाबी का प्रतिफल है। और बयान देने के लिए, ढोल बजाने के लिए, ट्विटर पर सिर्फ ट्वीट करने के लिए नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको घटना स्थल पर जाना चाहिए, समझना चाहिए किस कारण से गिरा है पुल, कौन दोषी है। हम उनको पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सच को जानने का प्रयास तो करें। मैं तो कार्रवाई करूंगा ही, और जो उनके पीरियड का बना हुआ, उनके माता पिताजी के पीरियड का है या उनके पीरियड का है, उस पुल पर भी तो वो अपना वक्तव्य रखें। ये RJD के विधायक हैं अफसरुल ईमान शाहीन, जिन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को युधिष्ठिर की भूमिका में लेकर के आएंगे अपराध को लेकर के, और नीतीश कुमार जो हैं भीष्म पितामह की भूमिका में हैं, चिराग पासवान कर्ण की भूमिका में हैं, और आने वाला विधानसभा में इसका जवाब देंगे। देखिए तेजस्वी यादव जी, इनके साथ की जो जमात है, बिहार में जंगल राज लाने वाले लोगों की जमात है, अपराध भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले, जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर अकूत संपत्ति जमा करने वाले, और माननीय न्यायालय के द्वारा जिन लोगों के द्वारा बिहारी शब्द को कलंकित और बदनाम किया, बिहार के विकास को लूटा, अराजकता का वातावरण फैलाया, वो जमात से ये चाहते हैं कि जनता को भरमाकर हम सत्ता में आए। अरे आपके अपने माता पिता के कारनामा से आपके पीरियड में अपराधियों का मनोबल कैसे बढ़ा? मुजफ्फरपुर के अंदर एक मंत्री को बचाने के लिए FIR तक आप नहीं होने दिए। आज भी अपराधियों को टिकट देकर विधानसभा, विधान परिषद से लेकर लोकसभा तक पहुंचाते हैं। ये मानसिकता का जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आपको कोई नैतिकता नहीं है अपराध और भ्रष्टाचार पर बोलने का। सर, जातिगत गणना को लेकर चिराग पासवान भी समर्थन कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने पहले ये काम शुरू किया PM मोदी से मिलकर। देखिए कौन क्या किया है, सच्चाई सामने आएगा। विकसित भारत, विकसित बिहार की ओर देश आगे बढ़ चुका है, और जो जाति के नाम पर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसे मानसिकता को जनता नकार देगी। देश को विकास चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हर भारतीय आगे बढ़े, ये संकल्प चाहिए। तो आपने सुना कैसे जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने माता पिता के काल को याद कर लीजिए कि क्या हुआ करता था, अपराधी घटनाएं हो या पुल गिरने का।
पुल को लेकर के भी कहा है कि जब वो सरकार में थे और उस वक्त जब पुल गिरा तो वो देखने तक नहीं गए, अब विपक्ष में हैं और ट्विटर के माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ ट्वीट करने का काम करते हैं और वहाँ पे तो जाते भी नहीं। और विधायक जिस तरीका से उनके पार्टी के कह रहे हैं उनको भी जो है अच्छे से सुना रहे हैं। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।